हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है मेरा डे लुक और नाइट लुक। सो गाइस, फर्स्ट हम यहां पे डे लुक करेंगे, देन गाइस उसके बाद हम नाइट लुक क्रिएट करेंगे। गाइस दोनों ही लुक अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हम डे लुक से। सो डे लुक हम यहाँ पर बहुत ज़रा डिसेंट रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो डे लुक हो या नाइट लुक, आपको स्किन केयर करना दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर बहुत अच्छे से कर रही हूँ, जिसमें मैंने टोनर, सीरम और जो आपको मॉइस्चराइज़र होता है, ये सब आप कंपलसरी आप यूज़ करें। चाहे आप डे लुक क्रिएट कर रहे हो या नाइट में मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हो, सो आप अपना स्किन केयर करना बिल्कुल ना भूलें। डे लुक के लिए यहाँ पर मैंने सनस्क्रीन होता है वो यूज़ करी हूँ। देन यहाँ पर आपको प्राइमर यूज़ करना है। प्राइमर भी यहाँ पर आपको आपके स्किन टाइप के हिसाब से लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन ऑयली है, उसके अकॉर्डिंग ही आप प्राइमर यहाँ पर यूज़ करें। देन गाइज, यहाँ पर मैं फाउंडेशन लूँगी। यहाँ पर मैं मेबेलिन का सुपर स्टे का फाउंडेशन लूँगी। देन गाइज, इसके बाद मैं फिटमी का फाउंडेशन लगाऊंगी। यहाँ पर मैं अपने स्किन टोन का फाउंडेशन लूँगी ताकि मेरी स्किन बिल्कुल नेचुरल लगे। यहाँ पर मैंने दो फाउंडेशन को एक साथ लगाया है। देन मैं नायका का कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। गाइज ये कॉम्पैक्ट जो है इल्यूमिनेटिंग कॉम्पैक्ट है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है सो आप ये कॉम्पैक्ट ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर हम कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि डे लुक है तो उसमें बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट ही यूज़ करेंगे हम। देन यहाँ पर मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। कंसीलर को बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि जो हमारे आईज़ के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं, कंसीलर से बिल्कुल भी हाइड हो जाता है। इसके बाद आईब्रो को हम बहुत ज़्यादा नेचुरल रखेंगे। सो आई शेडो पैलेट से ही मैंने ये ग्रे कलर का आई शेडो लिया है, इसी से मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी। देन यहाँ पर आईब्रो पेंसिल है, उससे मैं सामने से आईब्रो को अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी। देन गाइज, उसी सेम पैलेट से मैं आई शेडो लूँगी। गाइज यहाँ पर हमें आईज़ को बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है, बिल्कुल भी ना शिमरी करना है ना बहुत ज़्यादा डार्क करना है। आईज़ को बिल्कुल नेचुरल रखें, जैसे हमने बिल्कुल यहाँ पे आई शेडो भी नहीं लगाया है, इस टाइप की हमको आईज़ लगना चाहिए। देन यहाँ पर मैं लाइनर अप्लाई करूँगी। और लाइनर गाइज यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी विंग नहीं बनाया है, और यहाँ पर जो हमारा आईज़ का कॉर्नर है वहीं तक के मैंने लाइनर को रखा है। देन यहाँ पर मैं काजल अप्लाई करूँगी। काजल से गाइज बहुत अच्छा लुक आता है, चाहे हम डे में क्यों ना हम मेकअप कर रहे हो, काजल ज़रूर अप्लाई करें। देन यहाँ पर मस्कारा लगा के मैंने ब्लश लगाया है। यहाँ पर मैं कॉन्टोर बिल्कुल नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं सिर्फ ब्लश अप्लाई करूँगी जिससे लुक नेचुरल लगे। देन यहाँ पर मैं पिंक कलर की न्यूडी पिंक कलर की लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। लास्ट में मेकअप फिक्सर अप्लाई करूँगी और यहाँ पर हमारा डे लुक रेडी है। देन गाइज, अब हम अपना नाइट लुक क्रिएट करेंगे। सो डे लुक से ही कंटिन्यू मैंने नाइट लुक की ओर किया है। यहाँ पर हम कॉन्टोर करेंगे क्योंकि इसके पहले हमने कॉन्टोर नहीं किया था। नाइट लुक में कॉन्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हमारा फेस जो है वो शेप में लगे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। डे लुक में हमने लूज पाउडर यूज़ नहीं किया था, बट नाइट लुक में हम लूज पाउडर ज़रूर यूज़ करेंगे। हम अपने आईज़ को, अपने फेस को बेक करेंगे और यहाँ पर हम अपने कॉन्टर को भी कट करेंगे। सो नाइट लुक में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि मतलब जो कॉन्टर किया हुआ है वो हमारा बहुत ज़्यादा शार्प लगे। देन यहाँ पर मैं थोड़ा और ब्लश लगाऊंगी क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लश बहुत कम लगाए थे डे लुक में, बट नाइट लुक में यहाँ पर ब्लश, कॉन्टर और जो हाइलाइटर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे पूरे फेस को हाईलाइट करता है। पहले जो हमने आई शेडो लगाया था उसे मैंने एज अ ट्रांजिशन रखकर यहाँ पर मैंने डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो लगाया है। देन उसके ऊपर मैंने शिमरी आई शेडो लगाया है, जिससे लुक जो है हमारी आईज है मेन, वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और नाइट लुक के हिसाब से हमें ऐसी ही आईज रखना जरूरी होता है। देन गाइज, यहाँ पर मैं आईब्रो को अच्छी तरीके से सेट करूंगी और शार्प करूंगी।
बाद हम यहाँ पर लैशेस अप्लाई करेंगे। गाइज नाइट लुक हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमारी आईज़ में थोड़ा ड्रामा दिखना चाहिए। सो यहाँ पर लैशेस अप्लाई करने से आईज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लगती है और लुक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज आईज़ कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है और हम यहाँ पर नाइट के लिए रेडी हो रहे हैं या नाइट लुक कर रहे हैं। तो नाइट लुक के हिसाब से यहाँ थोड़ा हमने मेकअप भी थोड़ा हैवी किया है, यहाँ हमने थोड़ा सा विंक लाइनर बना के आईज लुक को कंप्लीट कर लिया है। देन गाइज यहाँ पर मैं लिप लाइनर यूज करूंगी। लिप लाइनर से आपका जो लिप का शेप होता है वो प्रॉपर बनता है। इसके बाद जो भी हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे वो प्रॉपर तरीके से आपके लिप्स में लगेगी और आपके जो लिप्स है वो बहुत ज्यादा हाईलाइट होंगे। सो यहाँ पर मैं थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक अप्लाई करूंगी ताकि हमारा जो नाइट लुक है नाइट लुक के जैसे लगे और बहुत ज्यादा स्टनिंग लगे। सो यहाँ पर मैं मेकअप फिक्सर ज़रूर अप्लाई करूँगी। आप देखोगे कि मेकअप फिक्सर लगाते ही फेस में काफ़ी ज़्यादा शाइन आने लगती है और फेस में ग्लो दिखने लगता है। मेकअप फिक्सर के बाद मैं ब्लश ज़रूर अप्लाई करती हूँ। ब्लश क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पूरे मेकअप में। और हाईलाइटर भी मैं मेकअप फिक्सर के बाद ज़रूर अप्लाई करती हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमारा नाइट लुक रेडी है। यहाँ पर हमारा डे लुक और नाइट लुक कंप्लीट होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।